नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में राजनीति का माहौल चल रहा है और चारों दिशाओं में रैली, जनसभाएं, रोड शो हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में बात कर लेते हैं कैराना लोकसभा की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। यदि देखा जाए तो यूपी राजनीतिक लिहाज से सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है और इसके चलते इस लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस ने पीडीए गठबंधन किया। तो वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो बीजेपी ने आरएलडी से हाथ मिला लिया है। और तो और, सपा के साथ साथ बीजेपी ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव का मुकाबला देखने योग्य होगा। तो चलिए इस सीट के इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर बात करें साल 2013 की, तो यह वो साल था जब कैराना की लोकसभा सीट पर सांप्रदायिक दंगों की आग ने इसे पूरी तरह से झुलसा कर रख दिया था, जिसका प्रभाव उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलता रहा है। और उन दंगों के दौरान तकरीबन 50,000 मुस्लिम लोगों को कैराना से पलायन करना पड़ा था। ठीक उसके 4 साल बाद 2017 में एक बार फिर से कैराना से पलायन की खबरें सुर्खियां बनी थी, मगर इस बार पलायन करने वाले लोग हिंदू परिवार से थे। मगर सच क्या था, यह बात कभी सामने नहीं आ पाई। और इसी बीच कुछ नेताओं की सियासत कैराना के सांप्रदायिक तनाव के चलते जरूर चमक गई। साल 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी हुकुम सिंह की जीत हुई थी, जो कि काफी ऐतिहासिक थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नाहिद हसन है। बीएसपी प्रत्याशी कुंवर सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। कैराना लोकसभा सीट बीजेपी के लिहाज से अहम है, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों के दौरान पार्टी ने यह सीट अपने नाम की थी। हालांकि उपचुनाव के दौरान सीट पर तबस्सुम हसन की विजय हो गई थी। इस बार इस सीट से सपा ने इकरा हसन को सियासी मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इस सीट से प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। वैसे अगर देखा जाए तो रालोद मुखिया जयंत चौधरी की पकड़ कैराना सीट पर काफी अच्छी खासी मानी जाती है। वजह है इलाके के 2.5 लाख जाट वोटर। यही वजह है कि सपा प्रत्याशी इकरा हसन अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी के साथ साथ जयंत चौधरी को भी निशाना बना रही हैं। एक इंटरव्यू में जब इकरा हसन से जयंत के एनडीए में शामिल होने पर सवाल पूछा गया, तो तंज कसते हुए जवाब मिला, कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बीजेपी में नहीं जाता। कैराना सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। तो आज हमने आपको बताया कैराना लोकसभा सीट का हाल। तो देखना यह होगा कि कैराना लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत का परचम लहराने में कामयाब होता है। नमस्कार।